टाइमिंग इज 6:30 to 7 ना? नो द टाइमिंग मैम कब तक क्लास होंगी? टाइमिंग वुड बी टाइमिंग फॉर ग्रुप बी दैट इज एज 10 to 18 इज 6, 7 to 8, 7 PM to 8 PM. ओके मैम। एंड ग्रुप ए दैट इज 5 years to 10 years, द टाइमिंग इज कौन इधर? 6:30. ओके हम लोग यहाँ देख रहे हैं बैच में बात शुरुआत करेंगे. अरे मैंने वो यहाँ पे आवाज पे जाओ, ये इसमें जाओ, ब्लूटूथ में जाओ, ब्लूटूथ 0% इसके लिए नहीं हो रहा है. ओके सो क्रांति हम लोग शुरुआत करें या हमने रुकना है? मैम मैंने लास्ट मैसेज डाल दिया, 5 मिनट और वेट कर लेते हैं क्योंकि तो अभी बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, इवन मतलब लोग दिख रहे हैं. ऑलराइट ओके हम 5 मिनट आज के दिन रहा देखेंगे, कल से हम डॉट समय पे शुरुआत करेंगे. आज इंट्रोडक्टरी डे है, हमारा डे वन जो है ये कल से रहेगा और ये हमारा प्रोग्राम जो है ये क्लास रेगुलर क्लास नहीं है, ये हमारी मस्ती की पाठशाला है. ओके यस यू विल एंजॉय दैट ना, मस्ती की पाठशाला यू वांट और डू यू वांट अ रेगुलर स्कूल एंड क्लास? यस मैम मस्ती की पाठशाला ना. हाय नभा, नभा दीदी म्हणजे मॅमचे मुलगी ती नभा दीदी. परिधि एंड निर्णय आल्सो. हेलो एवरीवन. हाय एवरीवन. हेलो नभा. हेलो गुड इवनिंग मॅम, देशना हियर. गुड इवनिंग कृष्णा. गुड इवनिंग मॅम देशना. तिष्णा. यस Great. So the first thing we do is good evening. सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि हमारा जो नाम है ना, यहाँ पे गैलेक्सी M11 दिख रहे हैं मुझे, तो पहले आप खुद का नाम डाल दीजिए. आपके मम्मी या पापा का नाम भी नहीं चाहिए, यहाँ पे खुद का नाम डाल दीजिए. ओके मैम. आपको पता है खुद नेम, हाउ डू यू नेम इट? आप पार्टिसिपेंट्स में जाके देखेंगे तो नेम कर सकते हैं. तो गैलेक्सी M11 आप रीनेम कर दीजिए खुद को. एंड दिव्यम जैन. हेलो हेलो दिव्यम. ये प्रोग्राम में हम लोग बहुत सारे जादू भी देखने वाले हैं. इंटरेस्टेड? यस. ओके तो हम जब तक राह देख रहे हैं ना, 5 मिनट हम रुके हैं बाकी लोगों के लिए. आज फर्स्ट डे है सिर्फ इसलिए रुके हैं, आज इंट्रोडक्टरी डे है इसलिए रुके हैं, फर्स्ट डे कल रहेगा. तब तक आप लोग मुझे ये बताना चाहेंगे कि आप ये सेशन में क्या करना चाह रहे हो? हाय अनमोल. Hi. Hi. काय काय चालू आहे वर्गात, काय करायचं आहे? आणि तुम्हाला गुरुकुल गमतून कारण ना बद्दल मारा तुम्हाला प्रोसे एक मारा जे तुला मारत होते गुरुकुल मी करू शकत म्हणून ते होते. ओके अभी हम वन बाय वन अब बात कर दो. ऑल राइट तो अभी हमने सबको म्यूट किया है ताकि एक जन जो बात करेगा ये सब लोग समझ सकेंगे. वैसे ही जब आप बात करेंगे तो सब लोग समझ पाएंगे. तो हम 5 मिनट जब तक रुक रहे हैं बाकी लोगों के लिए, तब तक आप में से कौन बताना चाहेगा कि आप इस प्रोग्राम में क्या करना चाहते हो? हमारे पास 21 डेज है, रोज एक घंटा, 21 आवर्स. क्या करना चाहोगे आप यहाँ पे? अनमोल काय करायला आवडणार आहे?
अनमोल को अनम्यूट कर देना प्लीज क्रांति। येस अनमोल बोल, तू आता अनम्यूट झालायस, काय करायला आवडेल? मला श्लोक म्हणायला। सुपर्ब, अनमोल को श्लोक बोलना अच्छा लगेगा। कोणते श्लोक बेटा? वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अजून काय करायला आवडेल? गोष्टी वाचायला। अरे वाह, वेरी नाइस, सबको अच्छा लगेगा सुनने में ना। अभी बाकी के बच्चे लोग, आप लोग बताएं आपको क्या करना अच्छा लगेगा, जिससे भी बात करनी है नीचे यहाँ पे यू कैन रेज योर हैंड्स। आदेश को अनम्यूट कर देना क्रांति, एंड बाद में फिर मयांशी को। हेलो हेलो क्रांति, आदेश को अनम्यूट कर देना। हाँ यस आदेश बोलो। आदेश आप अपने आप को अनम्यूट करो बेटा, बार बार अपने आप को म्यूट कर रहे हो। हेलो आदेश बेटा। आदेश कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? ओके ओके सो आदेश बोलो। ड्राइंग ओके एंड मैन ड्राइंग मैन ड्राइंग मैन डांस आल्सो मैन गेम आल्सो। ओके ओके आदेश को तो पीछे किसी ने तो बोला ड्राइंग बोलो, खुद के मन का बोलो तुम। अरे मैम नहीं, ये बार बार बोल रहा था ड्राइंग ड्राइंग, तो मैंने अभी बोला अरे बोल दो ना, ड्राइंग बोल रहे थे ना तो बोल दो ना। ओके फिर ठीक है। और अभी ऑनलाइन और क्या करना चाहोगे? ये मयांशी कुछ तो बात बताना चाह रही थी। मयांशी कैन यू अनम्यूट टेल अस? Inaya and Mayanshi, someone had raised the hands. Who would like Inaya to? And Mayanshi both are unmute. Yes, ma'am. Yes, Mayanshi and Inaya. Yes, hello. Ma'am. What would you like to do in this program? Yes, ma'am. No, I have asked. I want to do dance and drawing. Me. I like. Okay. Okay. And I like singing and drawing. Okay, lovely. देखो ये मैं स्क्रीन तुमसे शेयर कर रही हूँ ना, इसके अंदर ये सारे बच्चे हैं, ये वाले जो बच्चे दिख रहे हैं ना यहाँ पे कर्सर दिख रहा है, हम लोगों ने हाईवे के ऊपर डांस किया था, मेन हाईवे पे सब लोग डांस किए थे हाईवे के सेंटर में खड़े रह के। Yes, ma'am. मजा आएगा ऐसे करने में? Yes, ma'am. Oh, of course. Lovely. और ये है हम लोग एक जगह पे रहने गए थे, पीछे टेंट्स दिख रहे हैं ना, टेंट्स में रुके थे, यहाँ पे कैंप फायर किया था और यहाँ पे हम लोग हमारा डिस्कशन कर रहे थे। मजा आएगा करने में ऐसा? ओके वेरी नाइस। सो क्रांति जी क्या हम शुरुआत कर सकते हैं आज अभी? यस यस मैम शुरुआत कर दीजिए। या लवली ओके तो बच्चा पार्टी, हम लोग जब भी कोई शुभ काम कोई कार्य शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रार्थना से, ठीक है? तो हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए अभी सभी ने एकदम साइलेंस रखना है, प्रार्थना मुद्रा करनी है। प्रार्थना मुद्रा कैसे होती है? दोनों हाथ जोड़ना है, जो अंगूठा है ये आपका अग्नि का प्रतीक है, इसको यहाँ पे छाती पे लगाना है। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए, द बैक शुड बी इरेक्ट एंड स्ट्रेट। ओके एंड देन हम लोग प्रार्थना करेंगे। अस्तो माँ, आप मेरे साथ साथ कहिए, मैं एकदम धीरे धीरे कहूंगी, एक ओमकार करके फिर हम प्रार्थना करेंगे। गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद, गर्दन सीधी, पीठ सीधी,
कहिए मेरे साथ में, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते। ओके सो क्रांति हम शुरुआत करें, ओवर टू यू नाउ। क्रांति यू आर म्यूटेड। हेलो बच्चों, आप सभी का हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। हेलो बच्चों। हेलो, और बच्चों आपको पता है आपके सारे टीचर कौन कौन है? चलो मैं आपको आपके सारे टीचर से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, आपको बहुत मजा आने वाला है उनको इंट्रोडक्शन सुन के। सबसे पहले तो ये जो अभी इतनी सारी बातें कर रही थी ना आपसे, ये है मंजूश्री राठी मैम। से हेलो। हेलो। तो ये मंजू मैम बहुत मस्ती करती है बच्चों के साथ, और पता है इन्होंने, ये टीचर थी 23 ईयर्स। हेलो। हाँ क्रांति आवाज आ रही है? तो मंजूश्री राठी मैम को 23 इयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, और वो HOD थी नासिक कॉलेज में। उन्होंने 2 साल पहले ही रिटायरमेंट लिया है। वो मोटिवेशनल स्पीकर, साइकोथेरेपिस्ट और स्पिरिचुअल स्पीकर है, और बच्चों वो आपके साथ बहुत सारा फन करने वाली हैं, आपको जीवन के बहुत सारे अच्छे अच्छे फंडे सिखाने वाली हैं। इसी के साथ हमारी दूसरी स्पीकर है युक्ता मुखी जी, जो 1999 की मिस वर्ल्ड रह चुकी है। आप जानते हो ने? सुना है आपने मिस वर्ल्ड जानते हो क्या होता है बच्चों? यस और नो तो बोलो। मिस वर्ल्ड जानते हैं पर ये शायद छोटे बच्चे हैं हमारे जेनरेशन के लोगों को। ओके नहीं हाथ उठा रहे हैं बच्चे जानते हैं, परिधि और निर्मल जानते हैं। वेरी नाइस। यस वाओ, तो वो मिस वर्ल्ड रह चुकी है वो, और वो टेड स्पीकर है चिल्ड्रन एजुकेशन पे, और हमारी थर्ड स्पीकर है कीर्ति रोहिया जी, वो भी एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत सारे वो सेशंस लेती हैं बच्चों के, और आपको बहुत मजा आने वाला है उनके साथ भी। तो रेडी हो ना मजा करने के लिए? यस, जल्दी से चीयर करो, थंब दिखाओ, यस और नो। वो कोलकाता से बिलोंग करती है, तो कोई है यहाँ पे कोलकाता से? हेलो, इरा, इरा पटेल। ये है देखो कीर्ति, कीर्ति कीर्ति मैम हाथ हिलाओ, देखो ये है आपकी मैम। और चौथे है हमारे राकेश सर, जिन्हें बच्चे हैं बहुत अच्छे लगते। अभी आपने देखा ना अनमोल, छोटा सा अनमोल देखा ना अभी आप सबने? हेलो। हाँ वो वेव कर रहा है अनमोल सबको। हाँ ये राकेश सर का बेटा है, तो इसके पापा टीचर होने वाले हैं यहाँ पे, हम सबको बहुत अच्छे अच्छे से वो टीचिंग कराने वाले हैं। बट अनमोल, अनमोल को हम भूल ही करेंगे सब। हेलो। यस यू आर ऑडिबल क्रांति, आवाज आ रही है। तो राकेश सर एक कॉर्पोरेट स्पीकर है, वो कॉर्पोरेट ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, और उन्होंने एक बुक लिखी है कैपिटलाइजेशन ऑफ लाइट, जो पढ़ने में बहुत अच्छी है। बाकी पता नहीं,
चलिए इसी के साथ अब हम मिलते हैं सारे टीचर से। चलिए सब अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैम सबको सबको मिलवा दीजिए। यस सुक्राती जी हमारे पास में अभी यहाँ पे कृति जी है। कृति जी नमस्ते। हेलो 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 प्यारे प्यारे दोस्तों कैसे हो? आशा है आप सब स्वस्थ। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो 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 आदेश। हेलो दिव्यम। हेलो इनाया। हेलो निलेश। तो बच्चों हम लोगों की 21 डेज हम लोग मिलेंगे, खूब मस्ती धमाल करेंगे। ओह यस। सो कृति जी आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? तो मैसेज दैट मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगी, बच्चे 21 डेज हम लोग बहुत मस्ती बहुत धमाल करने वाले हैं। आप लोग ये मत सोचना कि आप लोग यहाँ कुछ एकदम हार्डकोर पढ़ाई के जैसे सीखने आए हो। नहीं, हम लोग जो भी करेंगे जस्ट फन और इस फन में ही हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो who all are ready? हम लोग नए नए दोस्त बनाएंगे, है ना, एक न्यू सोल फैमिली। ओके मैम। All are excited, I think, right? Yes. और हम लोग ऐसा सीखेंगे लाइफ में, जिनी होता है ना जो जादू की छड़ी घुमाता है और हमें सब कुछ दे जाता है, अलादीन देखा है आप सबने? Yes. वैसा जिनी किसको चाहिए लाइफ में? हम लोग सीखेंगे कि हम अपने लाइफ में जिनी को कैसे लाए, राइट? यस। लेकिन 21 डेज एवरी डे रेगुलर आना पड़ेगा, उसके लिए रेगुलर आना पड़ेगा। हम लोग अपने लाइफ में मैजिक अब्राकाडाब्रा लाएंगे। अब्राकाडाब्रा जिनी, जिनी को हम दोस्त बनाएंगे लाइफ टाइम के लिए। सोचो जिनी हमारा दोस्त हो जाएगा तो हमें कितना मजा आएगा, है ना? तो उस जिनी को हम लोग दोस्त बनाना सीखेंगे। यस वेरी नाइस ग्रेट कृति जी। एवरीवन इज सो एक्साइटेड टू हैव अ जीनी इन देयर लाइफ। यस वी ऑल हैव अ जीनी इन आवर लाइफ, वी जस्ट डोंट दे हैवंट एक्सप्लोर्ड इट एंड दे हैवंट फाउंड इट येट। तो हम लोग सिखाएंगे कि आप अपने लाइफ में जीनी को कैसे लेके आएंगे। ओके ओके वेरी नाइस ग्रेट। हमारे साथ में यहाँ पे नभा भी है। नभा तुम कुछ कहना चाहोगी सबसे? नभा हमारे स्पेशल गेस्ट है, वो हमारे सारे सेशन में हमारे साथ रहेगी। यस सभी को कांग्रेट्स कि आपने सेशन ज्वाइन किया है। अपने बाकी लोगों को म्यूट कर दो। हाँ यस अपने स्पिरिचुअलिटी के और एक और कदम हेलो आवाज आ रही है? हेलो एम आई ऑडिबल? यस 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 तभा बोलो बोलो। तो मैं कह रही हूँ कि आप सबको कॉन्ग्रेट्स कि आपने स्पिरिचुअलिटी की ओर एक कदम बढ़ाया है एंड दिस 21 डेज आर गोना बी अमेजिंग फॉर यू ऑल गाइस। सो ऑल द बेस्ट। यस अनम्यूट मी प्लीज। यस थैंक यू। थैंक यू नभा। वी ऑल्सो हैव राकेश शेट्टी सर यहाँ पे, जिनका इंट्रोडक्शन अभी आपको दिया था। तो राकेश शेट्टी सर सम मैसेज फॉर दी। मैं यहाँ पे कितने सारे लोगों को देख रहा हूँ, ईरा, दिव्यम, शिखा, चरवरी, रिदम, प्रीति, आदेश, सबने नभा, ये सबसे छोटी बच्ची है, परिधि और यहाँ पे एक मंजू राठी करके वो तो सबसे छोटी बच्ची है। यस तो हम लोग सब यहाँ पे बच्चे हैं और बच्चे एक दूसरे के साथ मिलके ही खेल खेल में सारी अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे।
जिससे हमें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ मिलजुल के बहुत प्यार से रहने की आदत हो सके। और इस जिंदगी में हमारे स्कूल के साथ जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारे बिल्डिंग में जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ हम किस तरह से ज्यादा अच्छा वक्त बिता सकते हैं, इन सारी खूबियों को हम यहाँ पे सीखेंगे। और इस खूबियों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन उस नामों को आप पकड़ के मत रखना, उस नामों के एप्लीकेशन को, मतलब उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो सारी एक्टिविटीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो हर अलग तरह के खेल खेलेंगे और खेल में काफी सारी बातें हम लोग अपने आप में ढाल देंगे। तो इस सारी चीजों के लिए तैयार रहना, हर दिन एक घंटा हम आपके साथ होके कुछ ना कुछ नया करेंगे। तो यही मेरा कहना है, और सब लोग साथ में रहना, कभी कोई सेशन मिस मत करना, देखना हर एक दिन एक घंटा हम साथ में रह के क्या कुछ कर सकते हैं, वही देखना है। ओके ग्रेट, यस, थैंक यू सो मच राकेश सर। तो इससे हम लोग आते हैं अभी हमारे सेशंस के लिए, हमें किस चीज की जरूरत है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट वन सेकेंड। यस क्रांति जी, इट्स ओपन नाउ। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर हमें रास्ते के ऊपर गाड़ी चलानी है तो इंडिया में हम लोग फॉलो करते हैं ना, लेफ्ट साइड से गाड़ी चलानी है, ओवरटेक अगर करना है तो राइट साइड से ओवरटेक करना है। ओके, कोई तो स्क्रिबल कर रहा है, करो, आपको जो भी करना है करो, यू आर डूइंग सम स्क्रिबलिंग ना इसके ऊपर, जो भी करना है करो। ओके, तो गाड़ी चलाते हैं हम लोग, तो गाड़ी चलाते वक्त समझ लीजिए देयर इज नो रूल एंड रेगुलेशंस, लेफ्ट साइड से ही चलाना है। अगर ऐसा नहीं होता, कोई भी किसी भी तरीके से चलाता तो क्या होता, कैसी सिचुएशन होती, डैशिंग कार्स जैसे। और ये डैशिंग कार्स हम लोग जो मॉल में खेलते हैं उस टाइप का डैशिंग नहीं होता, ये हमारा जानलेवा डैशिंग हो जाता, जो बहुत हैजार्डस हो सकता था, बहुत हानिकारक हो सकता है। इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत है। यस, डू यू एग्री विथ मी, डू यू एग्री विथ मी? ओके, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी हमारे ये सेशन के लिए है। थैंक यू। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे सेशंस के लिए क्या है ये हम देखते हैं। ओके, आज ही है सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस। वन, यू हैव टू फॉलो द टाइम। हमारा सेशन स्टार्ट होगा, हमने जो समय दिया है उस वक्त हमारे सेशंस के डोर्स लॉक हो जाएंगे। आप एक मिनट भी, एक सेकेंड भी अगर लेट हो गए तो आप इस सेशन के अंदर एंटर नहीं कर पाओगे। ये फर्स्ट रूल है। ओके, बिकॉज जो समय पे आते हैं इन्हें हमने रिस्पेक्ट करना होता है ना, इसलिए समय से हम स्टार्ट करेंगे और सभी ने समय पे होना है। एग्री? यस यस लवली। सेकेंड इज, होमवर्क इज इम्पोर्टेंट। होमवर्क से ही हम सीखेंगे ना, नहीं तो बस क्या होता है, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि क्या, अभी यहाँ पे आई थिंक ग्लास नहीं है, समझ लीजिए ये कंटेनर है, ये कंटेनर के अंदर अगर मुझे पानी डालना है और ये कंटेनर मैंने ऐसे नहीं रखा है, इसको अगर उल्टा रखा है और मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, तो मराठी में हमारे यहाँ पे सेइंग है जिसमें कहते हैं पालथ्या घड़ावर पानी। इसको अगर उल्टा रखेंगे, इसमें हम कितना भी पानी डालेंगे तो इसमें पानी जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो इसलिए ये आप हो और आपने सीधा रहना जरूरी है तो आप एब्जॉर्ब कर सकोगे, और ये आप होमवर्क करेंगे, खुद आप पढ़ाई करेंगे, आपकी इच्छा रहेगी तो ही ये होगा। सो यू एग्री विद डूइंग द होमवर्क? जो आपको रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही होमवर्क रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। वेरी नाइस, द किड्स आर सो क्रिएटिव, दे हैव फाउंड आउट अ वे ऑफ यू नो स्क्रीन के ऊपर ही, यस ओके टिक मार्क, वेरी नाइस, ग्रेट, ओके लवली, आई एम लविंग दिस। सेकेंड इज, हमारे सेशंस के अंदर वीडियोस हमने ऑन रखना है, बिकॉज अभी देखिए वीडियो ऑन है और हम बात कर रहे हैं, अभी देखिए वीडियो ऑफ है और हम बात कर रहे हैं,
तो आपको क्या लग रहा है, आपसे कौन बात कर रहा है, आप कहाँ देखेंगे, आप कनेक्ट हो पा रहे हैं क्या मुझसे पहले जैसे हो पा रहे थे? नहीं हो पा रहे हैं ना, तो इसीलिए वीडियो ऑन रखना जरूरी है। अभी देखिए मैं वीडियो ऑन करती हूँ। ओके, अभी वीडियो ऑन हो गया। सो देयर इज अ डिफरेंस ना, वीडियो से कनेक्टिविटी बनी रहती है, हम लोग एक दूसरे को मिल तो पाएंगे, बिकॉज एक्चुअली हम लोग जब इन फिजिकल रियलिटी मिलेंगे, वन टू वन हम एक ग्रुप में एक हॉल में मिलेंगे, तब तो हम बहुत मजा करेंगे। पर अभी हम हॉल में नहीं मिल पा रहे हैं ना, ऑनलाइन कैमरा में मिल पा रहे हैं, तो ऑनलाइन वीडियो ऑन रखना जरूरी है। एग्री? एग्री? ओके, ऑल राइट, ओके, लवली। अच्छा, अभी ये जिसने स्क्रिबल किया है उसने ही उसके नीचे जो लिखा है वो पढ़ना है। वो क्या पढ़ो, क्या लिखा था फोर्थ पॉइंट? स्क्रिबल किसने किया है हमें बताना। मम्मा? हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मुझे यही कहना था कि सॉरी मेरा वीडियो कभी कभी ऑफ रहेगा। मैं सेशन बाहर से अटेंड कर रही हूँ तो यहाँ बहुत अंधेरा है, सो आई कांट ऑन माय वीडियो। एक बार देखती हूँ ऑन करके, बट मैं दिख रही हूँ। यस, वेरी लिटिल। या ओके, सो सॉरी, बस यही कहना था। आपको आपको पता चला ये नभा 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 की मम्मा है मंजू मैम। ओके सो हाँ, मैं इसकी मम्मा हूँ, आई एम हर मदर। ओके, सो दैट वॉज इट, एंड नाउ आई हैव टू रीड द फोर्थ। वन सेकेंड, लेट मी सी द फोर्थ रूल नाउ, विच इज ओके। डेली अटेंडेंस इज कंपल्सरी, हमने देखा है टाइम, जैसे अगर हम आपने एक भी सेशन मिस कर दिया तो आप कैचअप नहीं कर पाओगे बाकी लोगों से, तो डेली अटेंडेंस इज कंपल्सरी। एंड नेक्स्ट इज लॉग इन टू द जूम सेशन विद द नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपका जो नाम है ना इसी नाम से आपने लॉग इन करना है। बहुत बार ऐसे होता है कि आपकी मम्मी हमसे बात करती है, पापा पेमेंट करते हैं और आपका नाम भी लॉग इन रहता है मम्मी के नाम से, पर हम तो आपसे बात करना चाहते हैं ना, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आपका नाम हमें दिखना चाहिए। सो यहाँ पे जो भी नाम दिख रहा है ना बीच में, यहाँ पे कौन गैलेक्सी दिख रहे थे, गैलेक्सी M11 अभी भी दिख रहा है। हाँ, गैलेक्सी M11, वी वुड लाइक टू हैव योर नेम, हाँ, सो वी कैन कनेक्ट टू यू। अगर आपको कोई दिक्कत है नाम चेंज करने में, एडिट करने में, रीनेम करने में, तो वी विल हेल्प यू। ओके, गैलेक्सी M11, ओके, अनम्यूट करके अपना नाम बता सकते हैं। यस, गैलेक्सी M11, आई थिंक शी डजंट नो दैट शी इज गैलेक्सी M11 आल्सो। ओके, तो वी विल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्रांति जी, तो हम उन्हें पोस्ट कर देंगे व्हाट्सएप पे, तो बातचीत कर लेंगे। ऑलराइट, बढ़िया। तो ऐसे सिर्फ हमारे पांच रूल्स है, अभी आपके अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछिएगा, यहाँ पे चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या आपका हाथ ऊंचा कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं है? मैं ना हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग क्या है? अच्छा, ओके ओके, देयर इज हैंड रेज बाय परिधि। यस परिधि, वन सेकेंड, विल अनम्यूट यू। क्रांति जी, प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हो गए। परिधि बताइए। नमस्ते मैम, सबको नमस्ते। नमस्ते मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉमन जो ऐसे टाइमिंग दिया हुआ है व्हाट्सएप पे वो 7:30 का है और आज 6:30 पे हो गया, तो टाइम चेंज हुआ है कि वैसा कुछ? क्योंकि मैं अभी मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइम पे मैं ट्यूशन में रहती हूँ। सो ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न परिधि। हमारे दो ग्रुप्स है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए का टाइमिंग है 6:30 PM शाम को 6:30 बजे, एंड ग्रुप बी दैट इज ग्रुप ए इज 5 years to 10 years। 10 years बड़े जो बच्चे हैं, 10 years जिन्होंने कंप्लीट कर दिया है, इन लोगों के लिए ग्रुप बी है।
हाँ राति की बेबी अभी 10 साल की नहीं हुई, उसके लिए अभी छोटा ग्रुप है. 10 years to 18 years दिस इज ग्रुप बी. उनके लिए टाइमिंग 7 बजे का है, 7 to 8. आज के दिन का, आज का दिन इज नॉट डे वन, आज का दिन इज इंट्रोडक्टरी डे. हमारा डे वन कल से स्टार्ट होगा, तो कल से टाइमिंग याद रखना, 10 साल से बड़े बच्चे 7 बजे, 7 to 8 PM. ओके सो परिधि. यस ओके ओके ऑल राइट. मैम नमस्ते, मैम और सबको नमस्ते. मैम मेरा भी एक क्वेश्चन. नमस्ते निर्णय, बोलिए. मैम मैम हम लोग 21 दिन में क्या करेंगे? वापस से आपकी आवाज कट गई थी. मस्ती मस्ती करेंगे बेटा, मस्ती. अच्छा क्या करेंगे? फन में सीखेंगे हम. ओके ओके ऑल राइट. और कोई क्वेश्चंस है? आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या मैम. ओके नीलेश जी कह रहे हैं आई गॉट आंसर्स व्हिच आई वांटेड. ग्रेट नीलेश जी. मैम शिखा रुनवाल कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज अनम्यूट हर. ऑलरेडी हेलो. हेलो मैम, मैं अनम्यूट हूँ ऑलरेडी. हाँ यस बोलिए. मैम हमारा सेशन 7:30 मतलब 7 o'clock से ज्यादा भी हो, मतलब 8 o'clock से ज्यादा भी हो सकता है या 8 o'clock तक ही रहेगा? 8 o'clock तक ही रहेगा, 7 to 8 PM फिनिश. और मैम अगर गलती से अगर हमारा एक क्लास मिस हो जाता है तो आप ये जो रिकॉर्ड करते हो वो भेजते हो ग्रुप में? सॉरी अगर गलती से लेट हो गए तो आप ये रिकॉर्डिंग भेजते हो ग्रुप में? नो, लेट एंट्री इज नॉट अलाउड एंड देयर इज नो रिकॉर्डिंग अवेलेबल. यू हैव टू अटेंड. अगर हो गया तो आप सोचो ही मत, समय पे करना ही है, रोज आना ही है, कंपल्सरी. ओके आपने आपने रूल सही से नहीं सुने बेटा. मैम फिर से रूल वाला वो लगाइए पेज. ओके आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन. 5 rules है, आप लिख लीजिए आपके नोटबुक में चाहो. सिंपल 5. दिस इज ओके. स्क्रीन दिख रही है? टाइम डिसिप्लिन, यू हैव टू कम ऑन टाइम. होमवर्क कंप्लीशन, होमवर्क पूरा होना चाहिए. वीडियोस आपका ऑन रहना चाहिए. डेली अटेंडेंस कंपलसरी है. ओ कोई कट कर रहा है पर उसके पहले मैंने पढ़ लिया. लॉग इन टू द जूम सेशन विथ योर ओन नेम, ये भी आपने करना चाहिए. ये 5 rules है. नीचे नोट देखिए, नो एक्सक्यूजेस अलाउड फॉर कमिंग लेट, फॉर इनकम्प्लीट होमवर्क, फॉर एब्सेंटी, फॉर वीडियोज नॉट वर्किंग, ये नहीं चलेंगे. यस मैंने पढ़ ली है. शर्वरी कह रही है मुझे अनम्यूट करो, उसे प्लीज अनम्यूट कर देना. शर्वरी अनम्यूट करो बेटा. शर्वरी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. यस हेलो शर्वरी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. आप कुछ पूछ रही थी? क्रांति शर्वरी को अनम्यूट कर देना. हेलो मैम, वो जो मैं दो दिन गाने का क्लास लेता ना, तो वो दो दिन वो 6 से 7 बजे रहता है. दिन में अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी. अटेंड ओके वो नहीं चलेगा. फिर आप नेक्स्ट सेशन में आना. इस सेशन में इवन 1 single absentee इज नॉट अलाउड.
आप आपके लाइफ में प्रायोरिटी सेट करिए, आपके लिए जो भी प्रायोरिटी नंबर वन पे है उसको 100% दे दीजिए. ओके ओके. मुझे रोज तो अटेंड करना है पर कैसे करूं? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. ठीक है. You decide what is your priority और जो भी priority number one है वहां पे 100% दे दो. Okay? Okay. Okay. और किसकी questions है? You can raise your hands even in the video और नीचे you can raise the hands or you can write. शुभ, शुभ रुनवाल कह रहा है please unmute me. क्रांति please शुभ को unmute कर देना. Hello ma'am. Good evening. Hello, ma'am, actually, I have my tuition from 6:30 to 8 o'clock. So? What is your question, Shu? Ma'am, actually, I have my tuition 6:30 to 8 o'clock and then how could I do class from 7 to 8? Okay, so then you have to decide what you want to do. You can do either one, this one or that one. So you set your priorities, whatever is your priority, to that you give your 100% and forget the next part. Okay, ma'am. Okay, yeah. Okay. Best of luck. And what is the time for under 10 kids? It is 6:30 p.m. Then Divyam ji is saying, ma'am, what will be the timing for tomorrow? Okay, we just shared 5 to 10 years, timing is 6:30. 10 years onwards till 18 years, timing is 7 p.m. All right. Okay, so ready for tomorrow. One more thing, tomorrow please sit with a notebook and a pen pencil. All right. Lovely. So great. I'm looking forward to interact more with you. मैं राह देख रही हूँ आप सभी से और वार्तालाप करने की, इंटरेक्शन करने की. तो हम कल दोबारा मिलेंगे. अभी हम लोग प्रार्थना से समाप्ति करते हैं. ठीक है? We'll say a prayer and end the session. If you have any other queries, तो आप WhatsApp के ग्रुप में लिख सकते हैं. Okay. Okay, ma'am. Okay, thank you. Love you all. Let's end with the prarthana. Prayer. Prarthana mudra humne jo abhi kahi thi, waisi. Reed ki haddi seedhi. Aankhe band, gardan seedhi. Saans leni hai. Aap mere saath mein dheere dheere kahe sakte. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शांति शांति शांति. नमस्ते. बाय बाय. गुड नाइट. सी यू टुमारो. बाय किड्स. बी ऑन टाइम. बाय बाय.